असलम एवरी वन वेलकम टू वक्राम इंग्लिश विद एजी लेसन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये सीम्स के सारे स्ट्रक्चर जो है वो आज हम पढ़ेंगे जैसे सीम सीम्स सीम्ड इट सीम्स दैट सीम्स टू तो बी सीम्स टू तो हैव इन में क्या फ़र्क है इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे आपके ग्रामर से रिलेटेड आपके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आज हम ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये सारे स्ट्रक्चर जो है इस लेसन में समझेंगे इनसे कैसे सेंटेंसेज बनाने हैं हमने इनको कैसे बोलना है क्या मतलब होता है ये सारी चीजें समझते हैं ठीक है जी तो शुरू करते हैं तो पहला जैसे है सीम या सीम्स पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि ये सीम का मतलब क्या है तो सीम का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ अपेयरेंस और परसेप्शन जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना उर्दू हिंदी में ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है ठीक है उसके लिए हम सीम या सीम्स यूज करते हैं सीम कहां यूज करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा वो आई वी यू दे या कोई प्लुरल सब्जेक्ट जब ये होगा तो हम सीम यूज करेंगे लेकिन अगर सब्जेक्ट जब वो ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है ठीक है तो फिर हम सीम्स यूज करेंगे ठीक तो ये तो डिफरेंस हो गया कि सीम के साथ एस का इजाफा हो जाएगा जब ही शी इट सब्जेक्ट में से होगा या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ठीक ये तो फर्क हो गया इसका के सीम और सीम्स में क्या फर्क होता है अच्छा अब मैंने आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताई कि ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है अब ये दोनों के लिए जब हम जुमले बनाएंगे ऐसा लग रहा है तो आपके जहन में आएगा कि हम इसको कंटिन्यूस में बनाएंगे नहीं हम इसको कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे ये जहन में रख लीजिएगा सीमिंग नहीं होता है इट इज सीमिंग ये नहीं होता है ठीक है या फ्लां चीज सीमिंग ये नहीं होता है ठीक तो जब आपने प्रेजेंट का स, जब बनाना है जुमला चाहे वो कंटिन्यूस का है या इंडेफिनेट का जैसे ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है तो हम सीम seem या सीम्स यूज करेंगे हम कंटिन्यूस का सेंटेंसिस का नहीं बनाएंगे और या फिर हमने अगर पास्ट में बनाना है तो हम सीम्ड यूज करेंगे ई का इजाफा वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी ठीक है जैसे अभी ये सेंटेंसेस देख लें हिज एक्सप्लेनेशन सीम्स प्लॉजिबल बट आई एम नॉट इंटायरली कन्वेंस कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी जो वजाहत है ठीक है अब सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे हमने सीम्स लगा दिया कि उसकी जो वजाहत है वो प्लॉजिबल लग रही है प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है काबले यकीन मतलब जिस पे आप यकीन कर सकते हैं ठीक है अगर आपने कहना हो ना कि नहीं उसकी जो बात है ना उसकी जो वजाहत है जो भी वो कह रहा है वो उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे तो फिर आप इसको इम्प्लाजिबल कर दीजिए हिज एक्सप्लेनेशन सीम्स इम्प्लाजिबल अगर आपने ये कहना है कि वो काबिल यकीन नहीं है मतलब उस पर यकीन नहीं आ रहा लेकिन अगर आपने कहना है कि उसकी बात जो है ना वो यकीन के काबिल लग रही है उस पर भरोसा किया जा सकता है तो आप कहेंगे हिज एक्सप्लेनेशन उसकी वजह सीम्स प्लॉजिबल मतलब के वो भरोसे के काबिल या काबिल यकीन लग रही है अब देखिए हम लग रही है या लगती है ठीक है दोनों में लेकिन हमने सीम्स बनाया एक्सप्लेनेशन इज सीमिंग हमने नहीं बनाया ये नहीं बनता है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है बट आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस लेकिन मैं पूरी तरह से ना कन्विंस्ड नहीं हूं मतलब मुझे पूरी तरह से यकीन हो तो मतलब उसकी वजाहत ठीक लग रही है काबिल यकीन तो लग रही है लेकिन मैं पूरी तरह से ना उसकी बात पे कन्विस्ड नहीं हूँ ठीक नेक्स्ट हो गया जी जैसे कि यू सीम क्यूरियस टूडे अब यू आ गया है यहाँ पे तो हम सीम्स नहीं लगाएंगे हम सीम लगाएंगे ठीक है एस का इजाफा नहीं करेंगे तो तुम आज जो ना थोड़े से क्यूरियस लग रहे हो मतलब जस्टिस लग रहे हो मतलब तुम्हें बड़ा जानने का शौक हो रहा है

सिंपल सी बात है पास्ट है जब हम इसको पास्ट में ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था ठीक है वहां पर हम इसको सीम्ड कर देंगे वही बात पास्ट में भी इसका कंटिन्यूस मतलब इसका कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं बनता है तो आपने लग रहा है तो सीम तो लग रहा था तो सीम्ड हो जाएगा ईडी का इजाफा करते जैसे शी सीम्ड लॉस्ट इन थॉट्स ड्यूरिंग द मीटिंग मतलब वो ख्यालों में गुम लग रही थी मीटिंग के दौरान मीटिंग के दौरान बैठी हुई थी लेकिन वो अपनी सोचों में गुम थी अपनी थॉट्स में गुम थी तो शी सीम्ड वो लग रही थी या वो लगती थी या वो लगी ठीक है लॉस्ट इन थॉट्स अपने ख्यालों में जो है वो आ, गुम लगी ड्यूरिंग द मीटिंग मीटिंग के दौरान जैसे ही सीम्ड नर्वस वो नर्वस लगा ठीक वैन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड जब वो क्राउड के सामने बोल रहा था ना ही सीम्ड नर्वस मतलब वो नर्वस लग रहा था वो थोड़ा सा जैसे जैसा था ना इंसान नर्वस हो जाता है ठीक तनाव में होता है थोड़ा सा तो ही सीम्ड नर्वस वो नर्वस लग रहा था या वो नर्वस लगा ठीक है द मूवी सीम्ड लॉन्गर देन यूजल बिकॉज ऑफ इट्स स्लो फेस की जो मूवी थी ना वो अपनी न, जो यूज नॉर्मल जितनी लेंथ होती है एक मूवी की उससे ज्यादा लंबी

या लगा लेकिन जब आपने ये जुमले बनाने के ऐसा लग रहा है तो फिर आप कहेंगे इट सीम्स दैट फिर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इट के साथ इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक जैसे कि इट सीम्स दैट ऑनेस्टी इज बिकमिंग अ रेयर ट्रेट इन टूरेस्ट सोसाइटी ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है के जो ऑनेस्टी है ना जो सच्चाई है ना वो अब बहुत नायाब खत जो है वो बनती जा रही है आजकल की सोसाइटी में मतलब अब आपको ऑनेस्ट लोग जो है वो बड़े कम नजर आएंगे तो ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी जो है ना वो अब रेयर हो गई है वो अब नायाब हो गई है ठीक है तो इट सीम्स दैट इस तरह से बनाए गए इसी तरह जैसे इट सीम्स दैट यू हैव लॉस्ट वेट सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू मतलब ऐसा लग रहा है कि तुमने वेट लूज किया है मतलब तुमने अपना वज

सिंपल टास्क की तरह लग रहा है ठीक अब इस सेंटेंस को इस तरह भी बनाया जा सकता है दैट अगर आपने मिट करना हो ठीक जैसे कि इट सीम्स लाइक अ सिंपल टास्क ये एक सिंपल टास्क लग रहा है

किसी चीज की तरह का बोलना है कि सिंपल टास्क लग रहा है ठीक अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ आप आ, आ, हमारे पास है इट सीम्स टू बी इट सीम्स टू बी जो है ना इसका भी वही मतलब है जो हमने पीछे के ऐसा लग रहा है या ये लग रहा है आप जिस तरह से भी इसको उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करें इट सीम्स टू बी का भी वही मतलब है जो हमने पीछे इट सीम्स दैट या इट सीम्स लाइक को जिस तरह से पढ़ा है ठीक है इसका भी वही मतलब है लेकिन ये आप समझ लीजिए कि उसी बात को डिफरेंट अंदाज से कहने का इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर चाहे आप इट सीम्स दैट यूज करें या इट सीम्स टू बी यूज करें दोनों का मतलब सेम है बस आप जुमला बनाने का तरीका डिफरेंट है जैसे अभी जो ये जुमले हैं दो इट सीम्स टू बी बॉदरिंग घर ऐसा लग रहा है कि ये चीज उसको

इट इज़ बॉदरिंग हर ये चीज़ उसको बॉदर कर रही है फिर हम उसको पूरा जो हमारा जैसे कंटिन्यूस का जुमला बनना था तो हमने उस तरह से बनाया है ये जहन में रखना है आपने जैसे कि इट seems टू बी रेनिंग आउटसाइड ऐसा लग रहा है बाहर बारिश हो रही है इट सीम्स दैट इट इज रेनिंग आउटसाइड ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है दोनों जुमलों का मतलब सेम है जुमला बनाने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ठीक है चाहे आप इट सीम्स दैट को यूज कर लीजिए या आप इट सीम्स टू बी को यूज कर लीजिए अच्छा अब एक और आ जाता है seems to have. Seems to have हम दो मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं पहला इसका मतलब है पोजेशन के लिए के ऐसा लग रहा है कि उसके पास ये चीज है ठीक है जब हमने उसमें क्या होता है इस्तेमाल करते हैं अगर नाउन आ जाए सीम हैव के बाद नाउन आ seem जाए तो इसका मतलब है कि हम उस चीज की पुजेशन की बात कर रहे हैं जैसे कि हैव आ लॉट ऑफ मनी

उसको फिर एज इट इज हम जो है वो उसको करेंगे उसके टेंस और उसके उसके ठीक है है जैसे कि कि ऐसा लग रहा है कि अंदर ना एक passion है पेंटिंग को लेके वो को को बहुत पसंद करती है है और एक passion एक जुनून है उसके अंदर लेकर उसको बहुत पसंद है ठीक है उसी जुमले को हम इस तरह भी बना सकते लग रहा है उसके अंदर है। दोनों जुमलों का मतलब सेम निकलता है ठीक इट सीम्स डेट के साथ भी बन सकता है और सीम्स जैसे बी के साथ मैंने आपको बताया है उसको भी इट इट सीम्स डेट के साथ भी बन सकता है ठीक अब इसी तरह से हम बनाएंगे सीम्स टू हैव का सेकंड जो जो है नहीं इसमें एक और जुमला है द दीफ सीम्स टू सीम्ड टू हैव अ गन अब हमने जो पोजेशन हैव है ना उसको पोजेशन वाले जब की सेंस में ही हमने पास्ट में बनाया है द दीम जो चोर है सीम्ड टू हैव अ गन ऐसा लग रहा था कि चोर के पास गन है ठीक अब ये जो है ना इसको भी हम पास्ट में करेंगे तो इट सीम्स के साथ करेंगे तो बना लेंगे हम इट सीम्ड दैट ऐसा लग रहा था या ऐसा लगा द thief had a gun कि थीफ के पास जो है ना चोर के पास जो है वो गन है ठीक अब समझ में आ गया कि seems to have को हमने किस तरह से प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है किस तरह से पास्ट में इस्तेमाल करना है और इसका एक मतलब होता है पजेशन इसका सेकंड मतलब होता है जब आप seems to have के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब होता है जब हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो इसका मतलब बन जाएगा ऐसा लग रहा है कि वो ये काम उसने कर लिया है या वो काम कर चुका है ठीक है v3 आने का मतलब है कि कोई एक्शन हो रहा है इस جمله के अंदर तो वो काम उसने कर लिया है के सेंस में आएगा या वो ये काम कर चुका है लेकिन जो पहला क्लॉज है ना शी सीम्स इट सीम्स जो भी वर्ब के साथ आ रहा है वो प्रेजेंट में ही बनेगा और हमने ये कहना मतलब होगा हमारा उसमें मकसद कि ऐसा लग रहा है तो उसने ये काम कर लिया है ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जैसे कि शी सीम्स टू हैव फोटन हर कीज अगेन शी सीम्स ऐसा लग रहा है कि वो वो लड़की के बारे में बात हो रही है टू हैव फु गोटन हर कीज अगेन के वो दोबारा से अपनी चाबियां भूल गई है ठीक अब इसका ये मतलब बनेगा मतलब एक एक्शन हुआ है भूलने का एक्शन एक्शन फॉर तो वो भूल गई है या भूल चुकी है इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे जैसे कि और उसको भी हम इट सीम्स दैट के साथ भी बना सकते हैं इट सीम्स दैट ऐसा लग रहा है शी हैज फॉर हर कीज अगेन कि वो अपनी जो चाबियां हैं वो अगेन जो है ना दोबारा से वो भूल गई है ठीक नेक्स्ट आ गया आई सीम टू हैव बॉर्डर यू ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बॉदर किया है आपको परेशान किया है या आपको डिस्टर्ब किया है जैसे कोई इंसान कोई काम कर रहा है और आप बीच में आगे अपनी बात करने लग गए तो उस इंसान के एक्सप्रेशन से आपको फील होने लग गया कि वो शायद अपने काम में बिजी था तो दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड आप जो भी कह रहे हैं ठीक है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि आई सीम टू हैव बॉर्डर यू ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बॉदर किया है किया है ठीक है या कर चुका हूँ आप कर चुका हूँ तो नहीं हम बोलेंगे ना उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं हम ये किया है ठीक तो इट सीम्स दैट आई हैव बॉर्डर यू आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बना लेंगे कि इट सीम्स दैट ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको परेशान किया है मैंने आपको बॉदर किया है मैंने आपको डिस्टर्ब किया है इसी को अगर हमने पास्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे यू सीम्ड टू हैव लर्न योर लेसन अब यू सीम्ड कर देंगे फर्स्ट क्लॉज जो है पहले हमने सीम किया था सीम्स किया था वो प्रेजेंट में बात हो रही थी तो अब ये कहेंगे जब हमने पास्ट में कहना है कि ऐसा लग रहा था कि तुमने अपना जो सबक है ना वो सीख लिया है यू सीम टू हैर्न योर लेसन कि तुमने अपना सबक सीख लिया है ऐसा लग रहा था मतलब पास्ट में आपको लगा था अब आपने ये कहना है कि उसने ये पास्ट में जो ना आपको लगा था इट सीम्ड दैट ऐसा लग रहा था यू हैव लर्न योर लेसन तुमने अपना जो सबक है ना वो सीख लिया है ठीक या तुमने अपना लेसन जो भी हम किसी को कहते हैं ना लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया है तो फिर कहेंगे लगता है कहना है तो इट सीम्स दैट कर देंगे इट सीम्स दैट दैट यू हैव योर लेसन और अगर हमें ऐसा लगा आपने पास्ट में बात करनी तो फिर कहेंगे इट सीम्ड दैट या यू सीम्ड टू हैव ठीक है अब ये देखे इट सीम्स दैट है ना जो इसमें बता दू ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ेंगे ना तो यू सीम टू हैव या यू सीम टू बी ये स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि दोनों स्टाइल से सेंटेंसेस बन सकते हैं सीम टू बी के साथ भी सीम टू हैव वाले सीम टू बी सेंटेंसेस भी इट सीम्स इट सीम्स दैट के साथ बन सकते हैं और सीम्स टू हैव वाले सेंटेंसेस भी इट सीम्स दैट के साथ बन सकते हैं लेकिन इट सीम्स टू बी और सीम्स टू हैव जो है ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है आपको बुक्स में मिलेगा और आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा ठीक लेकिन उनका उसको उन्हीं जुमलों को अगर आप इट सीम्स दैट के साथ भी बनाएंगे तो मतलब वही निकलता है ठीक है हो गया जी आज का लेसन ख़त्म होता है आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा है आई होप कि आपको सीम्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ आप कॉमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं ओके okay, जी हाफि